हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 23 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है डिजिटल इंडिया पुरस्कार के बारे में है। तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार के बारे में हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार की स्थापना है वो नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर्स NIC के द्वारा राष्ट्रीय पोर्टल के तहत 2009 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अब तक डिजिटल इंडिया पुरस्कार के 4 संस्करण या 4 एडिशन आयोजित किए जा चुके हैं। और तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि डिजिटल क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थाओं के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए, उनको अवार्ड देने के लिए ये एक पुरस्कार है। मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव, सरकारी जो इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है डिजिटल एरिया के क्षेत्र में, उनको एक तरीके से जो ये पुरस्कार है इस पर नवाजा जाता है। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, हम यहाँ पे बात करें डिजिटल इंडिया पुरस्कार के बारे में, तो यहाँ पे डिजिटल इंडिया पुरस्कार को लेकर तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। अब हम एक एक करके इनका एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये एक तो ध्यान रखना है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार की स्थापना है वो नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर NIC है, उसके द्वारा एक पोर्टल के तहत 2009 पे की गई थी। और अभी तक देखो, इसके 4 एडिशन कंप्लीट हो चुके हैं। 2010 में हुआ था एक एडिशन, एक 2012 में, 2014 में, 16 में, और अभी जो एडिशन है वो 2019 में कल ही आयोजित है, वो किया गया 5वां एडिशन। तो उसी को लेकर न्यूज आई थी, तो UPSC में भी इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है भारत नेट प्रोग्राम के लेके। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि भारत नेट जो परियोजना है उसके तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफायती दर पे अवेलेबल करवाना है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो परियोजना है, इसका जो वित्त पोषण है, जो इसकी फंडिंग है, वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा, यानी USOF के द्वारा इसकी फंडिंग की जाएगी। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत नेट परियोजना का जो सेकंड फेज है उसके तहत 2019 तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवाने हैं, ये इसका टारगेट हमें बताया गया। अब हमें यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो, यहाँ पे इसके बारे में देखें भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में, तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं और पूरा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। भारत नेट जो परियोजना है ना, इसका देखो स्टार्टिंग में नाम था वो था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब हमारे देश की जो ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट से जोड़ा है वो जा सके। और इसका टारगेट ये रखा गया था कि भारत में जो लगभग 2.5 लाख से अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन की हेल्प से आपस में कनेक्ट है वो किया जा सके। स्पीड का ये प्रावधान किया गया था कि 2 MB से 20 MBPS की स्पीड है वो कम से कम रखी जाएगी। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि जिले का जो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर है, फिर जो गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनको ब्रॉडबैंड से सबको कनेक्ट है वो करना है। इसका जो फंडिंग है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यानी USOF के द्वारा इसकी फंडिंग है वो की जाती है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसको किसके द्वारा संचालित किया गया है, कौन इसको मॉनिटरिंग करता है। तो देखो, जो इसको मतलब ये भारत नेट जो प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया था जिसका नाम था भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, यानी BBNL। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, इसकी हेल्प से जो ये भारत नेट प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट है, इसको अमली जामा है वो पहनाया जाएगा। और एक फैक्ट ये है कि जो स्कूल हो गई, गवर्नमेंट स्कूल हो गई, या फिर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, या फिर जो कौशल विकास केंद्र हो गए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो गए, वहाँ पे फ्री में कनेक्शन है वो उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे गांव के लोगों को काफ़ी सारे कनेक्शन हैं वो रहते हैं। और देखो, इसका टारगेट यह है कि मार्च 2019 तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कनेक्ट करना है, ये इसका मेनली टारगेट है वो रखा गया है। तो अब आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर वो यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है इंडिया ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ये देखो, अभी 2 दिन पहले ही न्यूज में आई थी, तो उसको हम यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? पहला ऑप्शन दिया गया है मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो देखो, जो इंडिया ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट है, ये भी पब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्या है यह डिजिटल जो इकोनॉमी रिपोर्ट है, इसमें हम देखते हैं। देखो, ये 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी है ना, इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना,
जो डिजिटल इकोनॉमी है, देखो आपको पता है इंडिया ने डिजिटल इंडिया इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रखे हैं, भारत में सारे जो प्रोग्राम वो डिजिटलिस्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कैशलेस की तरफ भारत मुक्त होता जा रहा है। इसके साथ ही काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम चले हैं जिनमें सारा काम वो ऑनलाइन किया जा रहा है, मतलब भारत डिजिटल इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है। तो ये अनुमान किया जा रहा है कि जिस तरीके से भारत में भी काम चल रहा है उससे अनुमान है कि 2025 तक तो भारत की डिजिटल इकोनॉमी है ना, उसका मतलब जो डिजिटल इकोनॉमी है इसकी वर्थ हो जाएगी $1 ट्रिलियन। तो उसके नाम पर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यानी मिट्टी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। और करेंटली हम बात करें हमारे देश की तो डिजिटल इकोनॉमी वो है अभी $200 बिलियन की। तो ये कुछ कंटेक्स्ट था और न्यूज को भी हमने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पे माइसेटोमा डिजीज को लेके। देखो यहाँ पे माइसेटोमा डिजीज को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान रखना हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात है वो की गई है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि माइसेटोमा जो डिजीज है वो स्किन है, इसके टिश्यू वगैरह है उनको इफेक्ट है वो मेनली करती है, मतलब ये क्रोनिक इन्फेक्शन है और स्किन और जो इसके उत्तक होते हैं टिश्यू हो गए पुराने टिश्यू वगैरह है उनको इफेक्ट है वो करती है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज ए ट्रॉपिकल डिजीज है, एक ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय बीमारी है। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो ये डिजीज है अगर ये बॉडी को इफेक्ट करती है तो उसमें धीरे धीरे अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये बॉडी के जो पार्ट है उनको पूरी तरीके से क्षय विकसित कर देती है या फिर रोगी की डेथ भी हो सकती है। अब हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात है वो की गई है। तो हम पहले माइसेटोमा डिजीज के बारे में कुछ फैक्ट है वो यहाँ पे देखते हैं। देखो माइसेटोमा जो डिजीज है उसको भी न्यूज में इसलिए आई थी कि जो WHO है ना उसने अभी ऑल ओवर की जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जो कि WHO के मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट या उनके मतलब एक तरह से निवेदन हुआ कि भाई हम जो ये माइसेटोमा डिजीज है इसको लेके प्रतिबद्ध है सभी कंट्रीज मिलके एक साथ आए। होती क्या है डिजीज, इस डिजीज में क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं वो धीरे धीरे मतलब सड़ने, जिस तरीके से वो जिसे हम कुष्ठ रोग बोलते हैं ना उसी तरीके का एक टाइप का रोग है वो होता है जो कि बॉडी पार्ट को धीरे धीरे क्षत विकसित है वो कर देता है। जो टिश्यू होते हैं बॉडी के जो ऊतक वगैरह होते हैं मसल्स वगैरह होती हैं वो धीरे धीरे इसमें गलने लगती हैं खराब होने लगती हैं, मेनली जो फंगल होता है इसकी वजह से ही डिजीज है वो होती है। और अगर इसका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो रोगी की डेथ भी हो सकती है, फिर जो पार्ट प्रभावित होता है वो बॉडी से अलग भी करना पड़ सकता है। और ये एक ट्रॉपिकल डिजीज है, ट्रॉपिकल डिजीज का मतलब देखो ये होता है कि वो डिजीज जो कि जो रूरल पॉपुलेशन को इफेक्ट ज़्यादा करती है या फिर हम जैसे पूर कंट्रीज हो गई या फिर हम बात करें कि काफ़ी जो बैकवर्ड एरिया हो गए उन पे ज़्यादा डिजीज है उसका इफेक्ट रहता है। देखो मेनली जो रूरल एरिया होते हैं जहाँ पे लोग नंगे पैरों की चलते हैं, एग्रीकल्चर लेबर होती है, उन एरियो में डिजीज है वो ज़्यादा होने के चांसेज हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जबकि हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब डी हो जाएगा नन, कि नन ऑफ दीज में से कौन सा स्टेटमेंट है वो भी गलत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है, ये एक्चुअली 2011 में UPSC ने पूछा था, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट ऑफ इन सीतू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। देखो यहाँ पे एक वर्ड है इन सीतू और एक होता है एक्स सीतू, तो हमने इन दोनों ही वर्ड के बारे में काफ़ी बार डिस्कस वो किया है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा दिया गया है यहाँ पे बोटनिकल गार्डन, तीसरा दिया गया है यहाँ पे नेशनल पार्क और चौथा दिया गया है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम यहाँ पे इसके बारे में अब आंसर है वो सोचिए। देखो इन सीटू कंजर्वेशन होता क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि वो स्पीसीज जो जहाँ पे पाई जाती है उसके नेचुरल हैबिटेट में वहीं पे उसको कंजर्व है वो किया जा रहा है। जैसे कि नेशनल पार्क में क्या होता है, मतलब नेशनल पार्क में से शेर हुआ हाथी हुआ वो उनके जो नेचुरल हैबिटेट है जो उनका नेचुरल आवास होता है वहीं पे उनको कंजर्व है वो किया जाता है। तो नेशनल पार्क हो गया वो किस में अकाउंट होता है, वो होता है इन सीटू में। और एक्स सीतू का मतलब ये होता है कि उसको जो उसका मेन एरिया जहाँ पे वो पाए जाते हैं उसके अलावा उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करके और फिर उनको कंजर्व किया जा रहा है। जैसे किसी जू होते हैं, जू में क्या होता है बाहर से शेर हाथी वगैरह लेके आते हैं और फिर वहाँ पे उनको कंजर्व है वो करते हैं, तो जू जैसी जो चीज़ हो जाएंगी वो हो जाएंगी एक्स सीतू में। तो देखो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो तो आपको ऑब्वियसली इन सीतू में हो जाएगा, नेशनल पार्क है वो भी इन सीतू में होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इन सीतू में होगा, बोटनिकल गार्डन हुआ, जू हुआ, ये एक्चुअली एक्स सीतू के एग्जांपल हैं वो होते हैं। तो इस तरीके का UPSC ने क्वेश्चन 2011 में पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी 2011 में ही पूछा गया है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली हमें दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग, पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया गया है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और तीसरा क्या है ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब पूछा यह है कि इनमें से विच ऑफ द अबो आर एमिशन या एमिशन फ्रॉम कोल कंबसन थर्मल पावर प्लांट, मतलब इन तीनों में से कौन सा है जो कि थर्मल पावर प्लांट से एमिट है वो होता है, हमें यहाँ पे पूछा गया है।
तो देखो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी एमिट होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो भी एमिट होते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड है वो भी एमिट होते हैं, क्योंकि वो तीनों चीज़ें इन्वायरमेंट को पोल्यूट है वो करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 1, 2, 3 तीनों ही हैं, वो एक्चुअली थर्मल पावर प्लांट से, मतलब जो कोयले का थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ से बाहर है वो निकलती हैं, उनको एक तरह से एमिट है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आज का जो आर्टिकल आया है वो आया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को लेके। देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते क्या है, ये अवधारणा किसके द्वारा लगी, पहला फैक्ट तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने हमने काफ़ी बार पढ़ा है इन्वायरमेंट के अंदर कि नॉर्मैन थे एक साइंटिस्ट जो कंजर्वेशन, जो एक तरीके से कंजर्व का काम करते थे इन्वायरमेंट को, उनके द्वारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। तो पहला तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि नॉर्मैन मेयर्स के द्वारा इनिशिएटिव है, ये संकल्पना है वो लाई गई थी। अब देखो इसकी दो कंडीशन है कि कौन सा एरिया है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में होगा, वो दोनों कंडीशन यूपीएससी आपको पूछ सकती है। ये है दो कंडीशन, पहली कंडीशन ये है, दूसरी है। पहली कंडीशन तो देखो यहाँ पे ये दी गई है कि जो मिनिमम 1500 स्पीसीज उस एरिया में होनी चाहिए, प्लांट की हो या फिर यहाँ पे बात करें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्लांट्स की लगभग वहाँ पे 1500 स्पीसीज वो कम से कम पाई जानी चाहिए उस रीजन में। इसके साथ ही जो वहाँ पे स्पीसीज पाई जा रही हैं उस एरिया में वो 70% अपने नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, मतलब जिनका 70% जो उनका नेचुरल आवास है, जो वेजिटेशन है वो खत्म हो चुका है, वो अगर एरिया है तो वो एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में शामिल है होता है। एक तो ये इफेक्ट कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है, यूपीएससी इस कंडीशन के बारे में पूछ सकती है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट ध्यान रखना है कि इंडिया के अंतर्गत कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। देखो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, एक तो है वेस्टर्न घाट और एक है हिमालय वाला और एक है अंडमान और निकोबार वैली। तो ये हमें ध्यान में रखना है, इंडिया में वेस्टर्न घाट, हिमालय और अंडमान और निकोबार वाला ये मैनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो लेते हैं हमारे लिए कि तीन है वो इंडिया में है। अब देखो दो तीन फैक्ट, छोटे छोटे फैक्ट और भी दिया गए हैं कि जैसे हम यहाँ पे दिया गया है कि वर्ल्ड के अंतर्गत जो भी बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उनमें 17 कंट्रीज में इंडिया शामिल है, मतलब मेगा डाइवर्स कंट्रीज की बात करें तो इंडिया उन 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में शामिल है, क्योंकि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये फैक्ट यूपीएससी यहाँ पे ध्यान में रख सकती है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट। और इसी के साथ ही हमारी अर्थ का जो जितना पूरा लैंड है इसका 2.4% जो एरिया है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंक्लूड है वो किया गया है, मतलब पूरी जमीन का 2.4% हिस्सा है या सरफेस है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में शामिल है वो की गई है। अब देखो आप इस फोटो में यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया में कौन कौन से हैं। देखो इंडिया में एक थोड़ा सा हिस्सा इसका इंडो बर्मा का भी आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसमें यहाँ पे मेनली तीन ही दिए गए थे, यहाँ पे भी आप उसको करेक्ट कर लेना कि इंडिया में हिमालय वाला भी आता है, वेस्टर्न घाट आ जाता है और थोड़ा इंडो बर्मा वाला हिस्सा भी यहाँ पे इसमें शामिल है वो आ जाता है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना कि इतने इतने हॉटस्पॉट इंडिया में, इसके साथ अंडमान निकोबार वाला यहाँ पे शामिल हो गए हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है। अब देखो हम यहाँ पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ग्रेवयार्ड ऑर्बिट्स। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, वैसे तो कब्रिस्तान होता है, तो कब्रिस्तान ऑर्बिट्स की बात कर रहा है। देखो ऑर्बिट किससे रिलेटेड, आप सोचिए ऑर्बिट तो हमने को काफ़ी बार डिस्कस किया कि साइंस एंड टेक में जो सैटेलाइट होते हैं उनकी जो कक्षा होती है जहाँ पे उनको स्थापित किया जाता है वो होती है ऑर्बिट, जहाँ पे वो चक्कर लगाते हैं अर्थ के चारों ओर या जो भी उनकी प्रॉपर ऑर्बिट है कक्षा होती है वो। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट का मतलब देखो ये होता है, जैसे ये मान लो हमारी अर्थ है और इसके चारों ओर ये सैटेलाइट है कि चक्कर लगा रहा है। अब जैसे मान लो कि सैटेलाइट की देखो आपको पता है एक उम्र होती है, 5 साल 10 साल 15 साल जितनी भी हो, मान लो कि 5 साल की सैटेलाइट की उम्र है, एक सैटेलाइट ये घूम रहा है। अगर 5 साल कंप्लीट होने के बाद इस सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया तो इसको, इस सैटेलाइट को इसी कक्षा में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगर ये सैटेलाइट इसी कक्षा में रहेगा तो जो दूसरे सैटेलाइट जो सही ढंग से काम कर रहे हैं उनके टकरा के कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्या किया जाता है कि ये जो सैटेलाइट है ना इसको धक्का वगैरह लगा के दूसरी टेक्निक्स के हेल्प से और इसको एक दूसरी कक्षा में स्थापित किया जाता है, और उस ऑर्बिट को मैंने नाम दिया गया यहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, जो कि अर्थ से लगभग 35,786 किलोमीटर, अर्थ का जो इक्वेटर है उससे 35,786 किलोमीटर ऊपर होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अर्थ के इक्वेटर से 35,786 किलोमीटर ऊपर एक कक्षा है, ऑर्बिट है, जिसमें सैटेलाइट को रखा जाता है, वो होती है ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। और वहाँ पे जो खराब या जो हम बोल सकते हैं खटारा सैटेलाइट होते हैं जिनका मिशन कंप्लीट हो गया है उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि जो सही सैटेलाइट है उनसे उनकी टक्कर वगैरह ना हो और इन्वायरमेंट को जो भी सैटेलाइट है रियल सैटेलाइट जो काम कर रहे हैं उनको नुकसान ना पहुँच सके। और मैंने जो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के 300 किलोमीटर ऊपर ही ये ऑर्बिट है वो होती है ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। तो ये छोटा सा फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। रीजन जैसा मैंने आपको बता दिया कि जो ऑपरेशनल सैटेलाइट होते हैं उनके टक्कर होना हो इसके लिए इन सैटेलाइटों को मैनली ऊपर है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है।
जियोस्टेशनरी ऑर्बिट से ऊपर। तो ये मेनली कंटेक्स्ट और न्यूज थी, उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेज। देखो ऑल इंडिया में जो पुलिस सर्विसेज हैं उनका भी सिटीजन से सर्वे है, वो क्या जा रहा है कि भाई लोगों के अंदर पुलिस है उसका कितना विश्वास है उन सब को लेके। तो यह किसके द्वारा किया जा रहा है यह ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उसने कमीशन बनाया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसका काम ये है कि ऑल इंडिया में है जाके जो नाम नागरिक है उनसे सर्वे करेगा, पुलिस के सर्विसेज के बारे में डिटेल लेंगे कि भाई अब पुलिस ने यहाँ पे कैसा काम किया है, वो सारी डिटेल यहाँ पे मांगी जाएंगी और फिर देखा जाएगा कि भाई हमारे देश में पुलिस वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या कहीं कहीं घोटाले वगैरह ये कर रही है। तो एक सर्वे कंडक्ट है वो किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, किया जा रहा है ध्यान रखना है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इसके साथ ये जो सर्वे है वो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है इसके द्वारा किया जाएगा। क्योंकि देखो ये तो इन्होंने क्या है एक कमीशन बना दिया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो एक्चुअली सर्वे करेगा, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है इसको काम दिया गया कि भाई सर्वे आपको करना है, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो इस सर्वे का काम क्या होगा, क्या इसके मोटो है, इसका एक मोटो तो ये रखा गया है कि आम लोगों के बीच में पुलिस का ट्रस्ट कितना है, क्या क्या वो पुलिस के बारे में सोचते हैं ये पता चलेगा लोगों की, पब्लिक की भाई जो पुलिस है वो कैसी वगैरह क्या है। इसके साथ ही जो एक्सपीरियंस है लोगों का या फिर जो महिलाओं का एक्सपीरियंस है चिल्ड्रन सेफ्टी या वुमेन सेफ्टी को लेके, उसके बारे में एक रियल डाटा सामने आएगा ताकि गवर्नमेंट उसी तरीके से नई पॉलिसी वगैरह बना सकें। तो ये सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ध्यान में रखनी है और कौन इसको कंडक्ट है वो कर रहा है, तो ये हमें फैक्ट ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के, नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ग्रीन इंडिया मिशन को लेके। देखो जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये मेनली हमारे देश में जो नेशनल एक्शन प्लान आया था क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए NAPCC, NAPCC का मतलब क्या है यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके तहत ही ग्रीन इंडिया मिशन है वो लाया गया था। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है इसके तहत देखो 8 मिशन आए थे छोटे छोटे, और उन 8 मिशन में से एक मिशन है जिसका नाम है ग्रीन इंडिया मिशन। इसका मोटो ये है कि हमारे देश के अंदर के जो ग्रीनरी या पेड़ पौधे हैं इनको डेवलप किया जा सके। देखो मेनली जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी या 12वां जो 5-ईयर प्लान आया था 2012 में, उस दौरान इसको ग्रीन इंडिया मिशन को इम्प्लीमेंट करना था, बट थोड़े फाइनेंशियल डिले की वजह से इसको 2015 में इम्प्लीमेंट है अमली जामा है वो पहनाया गया था। मोटो क्या था इसका, इसका मोटो ये था कि हमारे देश में जो ग्रीन कवरेज है इसको इंक्रीज किया जाए। उस टाइम पे प्रावधान ये रखा गया था कि 5 मिलियन हेक्टर एरिया के अंदर पेड़ पौधे हैं वो और बढ़ाने हैं, इसके साथ ही जो वर्तमान में 5 मिलियन हेक्टर में जो पौधे पहले से लगे हुए हैं उनको एक्चुअली और भी स्ट्रॉन्ग करना है, उनको थोड़ा और ज़्यादा मतलब वहाँ पर डेंसिटी है वो बढ़ानी है, उनकी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। ये तो इसके मोटो है हमें ध्यान में रखने हैं इस तरीके से। और इसके इफेक्ट की हम बात करें, और जैसे कि जो फॉरेस्ट वाले एरिया में जो ट्राइब लोग रहते हैं या फिर जो लोगों की आजीविका फॉरेस्ट पर निर्भर है उनकी इनकम भी बढ़ाना, उनको फ्यूल हुआ, उनको जो फोल्डर मटेरियल हुआ जैसे टिम्बर वगैरह हुई, इसके साथ ही जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स वो मतलब जैसे कि शहद हुआ गोंद जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनको कलेक्ट करके वो अपनी आजीविका है वो चला रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा वो मिल सके, उनकी आजीविका के लिए भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में ध्यान रखना है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसके तहत 8 मिशन थे उसमें से एक है। देखो हम कल या परसों हो सकता है संडे के दिन इसको नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है इसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेनली इसके जो 8 के 8 प्रोग्राम है वो, तो उनको हम एक एक करके जो मिशन को गौर कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है ड्रोन ओलंपिक कॉम्पिटिशन को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। देखो ड्रोन जो ओलंपिक कंपटीशन है ये इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि ड्रोन ओलंपिक कंपटीशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बेंगलुरु में आयोजित है वो किया जा रहा है, और इस बार की थीम हो रखी गई है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अब इसका मोटो क्या है, इसका मोटो यह कि हमारे देश में जो भी स्टेक होल्डर हैं चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर कोई प्राइवेट संस्था हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट की भी संस्था हो, अगर वो अनमैन्ड व्हीकल के मामले में अच्छा काम कर रही है या फिर हम बात करें अच्छे ड्रोन वगैरह बना रही है, तो उसकी कैपेसिटी को देख के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो उसके आइडिया को एनालिसिस करेगी और उसके बाद उनको हम रियल मतलब अमली जामा पहना के उनको मैन एरिया में शामिल है वो क्या जाएगा। तो ये उनके पोटेंशियल को देखने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि जो अनमैन्ड व्हीकल की जो इंडस्ट्री है, UAV जो इंडस्ट्री है, इसमें किस तरीके का लोगों का कंट्रीब्यूशन है, किस किस तरीके से अच्छा काम किया जा रहा है, उनकी अपॉर्चुनिटी है, उनसे आर्म फोर्स को किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, उसका मेनली फोकस है यहाँ पे।
अब देखो यहाँ पे दिया गया सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रोन। ड्रोन की सिग्निफिकेंस की हम बात करें, देखो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है डिफेंस सेक्टर में। इसके साथ ही हम बात करें इंटेलिजेंस की बात करो, चाहे सर्विलेंस की बात करो, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक जो वारवेव है, इसके साथ ही जो स्ट्राइक मिशन है, इन सब में इनका यूज़ है वो किया जाता है। तो आज के डिजिटल इंडिया की इकोनॉमी या डिजिटल जो इकोनॉमी है हमारे देश की, उसमें कहीं ना कहीं ड्रोन का एक काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को मिलता है। तो देखो एक छोटा सा आर्टिकल हो रहा है वो है यहाँ पे लोफा टेलीस्कोप को लेके। खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लोफा टेलीस्कोप, इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि यह इंडिया की नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि लोफा टेलीस्कोप का मतलब है यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी एरे, जो कि एक लार्ज रेडियो टेलीस्कोप है, कहाँ की है, नीदरलैंड की है। अगर याद हो तो ठीक है, ज़्यादा कुछ हमारे लिए कुछ खास थी नहीं है। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ और वो है आयरलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडी है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि आयरलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो इसके चेयरपर्सन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंतर्गत कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो इंक्लूड होते हैं, इसके साथ होम सेक्रेटरी हुए, इसके साथ ही एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी मिनिस्ट्री वो होते हैं, टूरिज्म के सेक्रेटरी होते हैं, और जो ट्राइबल वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं वो होते हैं, मतलब सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। तो बस ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।